जो एक पहलवान है हिंदुस्तान के, इनका गला गैर जाई हो रही है और पुतले फूको और हरेक गांव में खड़े हो, इनके आंदोलन करो और भाई कोशिश करो, कट्ठे होने की कोशिश करो, या सरकार बिना कट्ठे हुए नहीं मानेगी, ना उनका कुछ बनेगा। हिंदुस्तान की चीज यह है, महान चीज थी, प्राइवेट देश करने लग रहा है, इसने भाई कुछ सोचो। जनता 36 जात कट्ठी होकर अपने आंदोलन दिखाओ, इसने जनता और जू जाकर कि सरकार मान सका नहीं, जे और कोई चारा नहीं रहा, इस देश का प्राइवेट देश हो गया, नहीं जे हमारा देश था अमहान, जो कहे करते बडेरे अमहान देश है हमारा हिंदुस्तान। और कट्ठा उनकी कसर है भाई, देश कट्ठा हुआ, जनता सब कुछ कर सके, जनते राज न बना रही है और जनते उथल कर दे है जे राजा हो। और भाईओ तड़कन पूरा धरना जारी है, धरने पर आए करो और अपनी कुछ समस्या बताए करो और समस्या पूरी होगी भाई जी, आप कट्ठे होंगे और कट्ठे चल लाँगे। इस गांव का अधूरा काम कोई भी नहीं रहेगा भाई, जे तो हमें एकजुट में होकर चल लोगे, हमें तो भाई तारा आगे खड़े हैं, जड़े ठोकोगे उठे ठोक जानने त्यारा गाम राम के शीर के काम पर, शीर के काम पर अगला कहानी चल लाँगे। जिसा झंडा ठहरे है इस नगरी में भाई, कड़ी किसे भी दुनिया में चारो ओढ़ फिर लिए गांव का कोई फिर नहीं आवांगे अपनी चलती में। और कट्ठे हो एक रो उरा धरना चालू है, सारा गांव आने का अपनी कोई बात बनाए करो। और या 2 दिन हो गया मनीषी मौत होगी नहीं, जे कल लो फुकड़ा था कल न भाई, पूरा धरना के ऊपर 9 बजे पुतला फूकया जाएगा और गांव राम का नाम बहुत स्टेटा में जावेगा। पाई पाई गांव में बड़ा आंदोलन करे, बड़ा किसान मजदूर 36 जात एकता में है, या एकता दिखाओ। जय जवान जय किसान।